हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सो दैट आफ्टर वन वीडियो वी कैन स्टार्ट विथ सेकंड यूनिट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन देयर एग्जिस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. कैन देयर एग्जिस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस. क्या कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसके पास ना ही यूनिट्स हो और ना ही डायमेंशन हो? यस, द आंसर इज ट्रेन. वी हैव ऑल्सो डन इट इन सम प्रीवियस वीडियो. ट्रेन इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. देयरफॉर सेकेंड क्वेश्चन इज, एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशंस. कमेंट. एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशंस. सेम डायमेंशंस होते हैं नहीं होते? अगर होते हैं तो प्रूफ करो, नहीं होते तो वो पता चल ही जाएगा आपके प्रूफ से. एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर हैव द सेम डायमेंशंस. दिस इज अवर क्वेश्चन. क्या है भाई इसमें एनर्जी डेंसिटी? क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है. एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टू टी पावर माइनस टू. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम एल टू टी पावर माइनस टू. हमारी जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल की पावर थ्री. एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एम एल टू टी की पावर माइनस टू. हमारी जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है एल की पावर थ्री. तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? एम वन एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू. ये हमारा फॉर्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का. उसने किस किस का पूछा? एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर. प्रेशर किसके इक्वल होता है भाई? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स की क्या यूनिट है? एम एल टी की पावर माइनस टू बाय एल स्क्वायर. क्या बन गया? एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू. सही है भाई, एनर्जी डेंसिटी का है, ये प्रेशर का है. दोनों की यूनिट सेम है, बोथ आर हैविंग सेम यूनिट्स. देयरफॉर और बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशन. तो हमारा जो ये क्वेश्चन है कि क्या एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के पास सेम डायमेंशन है, ये हमारा प्रूफ हो गया है भाई. दिख रहा है एनर्जी डेंसिटी की जो फाइनल इक्वेशन आई है और जो प्रेशर की फाइनल इक्वेशन आई है, फ्रॉम दोज टू इक्वेशन वी कैन कंसीडर, वी कैन नोट दैट सिंपल फैक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी विच हैज सेम डायमेंशन. नेम, यू नीड टू राइट ऑल दीज क्वेश्चन, ऑल दीज वीडियोज, जो भी आपको करवाए हैं आर्टिकल्स, इन योर फेयर नोटबुक्स. नेम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी विच हैज सेम डायमेंशंस. ऐसी कोई स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बताओ जिनकी डायमेंशंस सेम होती है, विच हैज सेम डायमेंशंस. कैसे करना है इसको? हम जानते हैं कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. पर ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशन सेम रहती है. तो जो क्वेश्चन उसने पूछा था कि नेम ए स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज सेम डायमेंशन, उसका आंसर ये है, स्पीड एंड वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी
इज नन बट द वेक्टर क्वांटिटी. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. आई एम लीविंग द इजी क्वेश्चंस अप टू यू. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ की क्या डायमेंशंस होती है. That's your homework. What are the dimensions of mass per unit length? Mass per unit length की dimensions निकालो. That's your homework. Next question is, write the dimensions of kinetic energy. Write the dimensions of kinetic energy. इसके लिए सिर्फ kinetic energy का formula आना चाहिए, हो जाएगा. Write the dimensions of kinetic energy. करना क्या है भाई, इट इज ऑल्सो योर होमवर्क. आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट फॉर इट दैट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² 1/2 कॉन्स्टेंट है. जैसे कि मैंने पहले कहा था, कोई नंबर है कोई कॉन्स्टेंट, उसको हम कंसिडर नहीं करते. सो 1/2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. मास के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, v² यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वो सोचिए, वो ढूंढिए from your previous lectures, from your previous video, and calculate the dimensions of kinetic energy. So it's a homework for you all. Next question is, calculate, this is a new question and belongs to high order thinking skill question. What is the question? Calculate, look question in a very typical manner. Look it in a serious manner. अच्छे से देखिए complete focus के साथ. Calculate x in the equation. Equation दी गई है, if velocity power x is equal to pressure difference power 3/2 multiply by density power minus 3/2. क्या करना है भाई इस क्वेश्चन के अंदर. फर्स्ट कैलकुलेट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे. जो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, पहले हम उसको उसके डायमेंशंस लिख के उसको फुली कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे. क्योंकि जो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व for the RHS, for the right hand side. Okay, how? Pressure difference, अभी pressure की निकलवाई थी मैंने, unit क्या होती है, m, l की power -1, t की power -2. We are considering right hand side, this part of our equation. Power 3/2. Density की क्या रहती है, mass per unit volume, m, l की power -3. Power -3/2. आई हैव डन नथिंग. प्रेशर डिफरेंस यानी कि जो प्रेशर की यूनिट्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला है जो मैंने अभी एक क्वेश्चन में करवाया था, मल्टीप्लाई डेंसिटी, जो एक वो टेबल बनवाया था, मैंने कुछ करवाए थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो उसका यूज करके इसको निकाला गया है. दोनों के मैंने कुछ नहीं किया, दोनों के डायमेंशन को लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया. क्या बन गया, एम की पावर 3/2, एल की पावर -3/2, टी की पावर -3. जो इक्वेशन थी उसको मैंने पूरा खोल दिया, मल्टीप्लाई बाय एम की पावर -3/2, एल की पावर
व्हाट द वैल्यू ऑफ एल गोइंग टू एक्वायर? एल रेज टू पावर 9/2, दैट्स इक्वल टू एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर -3. सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? वेलोसिटी पावर एक्स. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज वेलोसिटी रेज टू की पावर एक्स. वेलोसिटी के डायमेंशन करते हैं एल टी की पावर -1 रेज टू पावर एक्स. नाउ कैन यू राइट दिस इक्वेशन एज एल 3 टी की पावर -3? एम रेज टू पावर 0 है तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. और इट इज इक्वल टू एल टी की पावर -1 रेज टू पावर 3. कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, वी हैव दीज टू इक्वेशंस ना, एल टी पावर -1 की पावर 3, वी हैव ऑब्टेंड दिस फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड. एंड फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड वी हैव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. This is the equation from our LHS from our left hand side, and this is the equation from our RHS or our right hand side. So comparing both, the value of x gained through these concepts is 3. The value of x gathered, the value of x obtained is 3. So that is our question. Again, I am showing you that question. Again, I am going to read that question for you. What's the question? Calculate x in the equation if this is equal to this. You need to calculate the value of x only. Now, moving ahead to the next question. What's the next question? The next question is your homework that you have to calculate or you have to write the dimensions of the A and B if V is equal to A plus BT. Here V is the velocity and t is the time. Here v is the velocity and t is the time. Here v is the velocity and t